हरिद्वार में आयोजित होने जा रहा है वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ, जो कि आयोजित होगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि एक बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय जिसे कहें, जो कि करीब एक शताब्दी से वेद विज्ञान पर लगातार शोध कर रहा है, वहां उस प्रांगण में आयोजित होगा और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उसमें शिरकत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस आयोजन पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद हैं सोमदेव सतांशु साहब। सर स्वागत है आपका संसद जी। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। सर पहला सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये किस तरीके का अपने आप में आयोजन है वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ, हम किस तरीके से समझें इस कार्यक्रम को, हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी, जैसा कि हम लोगों को विदित है, यह विश्वविद्यालय अमरहुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा, जो कि युगप्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य शिष्य थे, उनके द्वारा 1902 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरोध में, जो अपने गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, वैदिक शिक्षा पद्धति थी, उसके अनुरूप उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है, संस्कृति सभ्यता है, उसका पुनः प्रचार विश्व में हो और वैदिक ज्ञान पथ पर चल करके पूरा विश्व अपने जीवन के समस्त प्रकार के सुख समृद्धि एवं आनंद को प्राप्त कर सके, ये इसका लक्ष्य था। इसी लक्ष्य को प्रचारित प्रसारित करने के लिए आगामी 23, 24, 25 को विश्वविद्यालय के द्वारा यह त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, वेद इस पर ज्ञान है। आज से 1,96,08,52,53,117 वर्ष पूर्व परमात्मा के द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन ऋषियों के हृदय में वेद ज्ञान प्रकट किया गया था। वेद समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति शास्त्र ही नहीं मानते, आजकल के जो आधुनिक विज्ञान के लोग भी इस तथ्य को मानते हैं। उन्हीं वेदों में निहित जो विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, आयुर्विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विमान विद्या, सभी प्रकार की जो ज्ञान विद्या है, उन पर प्रकाश डालने के लिए प्राय विभिन्न भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से तथा विदेश के विश्वविद्यालयों से अनेक वेदज्ञ, मर्मज्ञ, विद्वान तथा वैज्ञानिक लोग तथा शोध छात्र इस संगोष्ठी में भाग लेकर के अपनी ज्ञान विज्ञान की, वेद के ज्ञान विज्ञान की चर्चा करेंगे तथा उसके प्रकाश करके मानवता का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वयं आ रहे हैं, इसके अलावा तमाम मशहूर हस्तियां भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हम उपराष्ट्रपति के यहाँ आने से इस कार्यक्रम का कितना और महत्व बढ़ने जा रहा है? माननीय जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे सम्माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, उनका इस संस्था के प्रति, आर्य समाज के प्रति, महर्षि दयानंद के प्रति अनन्य अनुराग है और उनके पधारने से वो हमारे राष्ट्र के सर्वद्वितीय व्यक्ति हैं। एक महापुरुष के आने से पूरा विश्वविद्यालय परिवार उत्साहित है, हरिद्वार उत्साहित है। उनकी प्रेरणा से, उनके उद्बोधन से यहाँ के छात्र, यहाँ के प्राध्यापक और उत्साहित होकर के अपने शोध क्षेत्र में काम करेंगे, उनके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से और जो गणमान्य अतिथि हैं वो इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जी के साथ शामिल हो रहे हैं और जो अतिथि हैं उनके बारे में हमें बताएं। जी जी, प्रथम दिन में माननीय उपराष्ट्र के साथ, उपराष्ट्रपति जी के साथ उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, द्वितीय दिन में झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन जी पधारेंगे और भारत के कानून एवं विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी पधार रहे हैं। तृतीय दिवस पर उत्तर प्रदेश के ख्यातनामा मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी भी पधार रहे हैं, साथ ही अनेक और भी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ के नेता, संसदीय क्षेत्र के सांसद, विधायक इत्यादि सभी लोग पधारेंगे। साथ ही भारत के आर्य समाज के जो भी प्रतिष्ठित सन्यासी, विद्वान, विदुषी हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम में आकर के अपना भाग ग्रहण करेंगे।